हेलो, नमस्कार। मैं DPR आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एक टेबल में के माध्यम से बताना चाहूँगा आपको कि बेसिक पेंशन जो सिपाही से और हवलदार तक की है, जो प्री वाले हैं, प्री 2006 एंड पोस्ट 2006 में कितना बड़ा अंतर है। यहाँ पर जो प्री वाले हैं उनको कितना नुकसान हो रहा है पोस्ट वालों से, तो ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक टेबल है और यहाँ सिपाही से लेके हवलदार तक का वहाँ जिक्र किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मित्रों, यहाँ पर अगर हम लोग जो सिपाही हैं जो 17 साल जिन्होंने जॉब किया है, अभी यहाँ पर ORP 2 में उनको क्या हुआ है कि उनका जो बेसिक पेंशन है वो बनता है पोस्ट वालों का 20,107 रुपये, और प्री वालों का बनता है यहाँ पर 18,807 रुपये। और अंतर की बात करें तो वो 1,300 रुपये आता है निकल के महीने का, जो कि बहुत ही भारी भरकम रकम बनती है साल की। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर यही हम लोग चीज़ देखते हैं कि जो नायक हैं जिन्होंने यहाँ पर 22 साल उम्र जो जॉब किया है ORP 2 में, उनका अगर पोस्ट वालों को जो पेमेंट है बेसिक पेंशन का वो है यहाँ 22,557, और प्री वालों का है 20,107। और फ्रेंड्स यहाँ लॉस की बात करें तो वो मिल रहा है 2,150 रुपये का पूरा पूरा, जो कि साल का बहुत होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर हवलदार जो बेसिक पेंशन जहाँ पर वो 24 साल की जो जॉब करके आए हैं, अब उनके ORP 2 में जो पोस्ट वाले हैं उनको 24,825 का है बेसिक पेंशन, और यहाँ पर प्री वालों का 22,557 का है। अगर बात करें लॉस की तो पूरा 2,568 रुपये का लॉस है प्री वालों को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रीज़न क्या है इसका, तो रीज़न है कि यहाँ पर जो MACP है, अगर बाई द वे प्री वालों की भी और पोस्ट वालों की दोनों के लिए बराबर लागू कर दी जाए, ठीक है ना मित्रों। अगर प्री वालों के लिए तो पोस्ट वालों के लिए तो है, अब इतनी MACP अगर यहाँ पर पोस्ट प्री वालों के लिए भी कर दी जाए, तो फ्रेंड्स ये जो अंतर है ना, जो भेदभाव है, ये एकदम बराबर हो जाएगा मित्रों। इसी वजह से यहाँ पर जो पूर्व सैनिक हैं, इसको जो जो मतलब नेता हैं या फिर सरकारें हैं या कोई भी हैं, वो समझ नहीं रही हैं कि यहाँ पर मतलब जो अंतर है वो बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कि आपका डिसेबिलिटी पेंशन है उसमें अंतर है, अभी MACP है, MACP है यहाँ पर उसमें अंतर है, और आपका जैसे मान लीजिए जो जो आपका क्या कहते हैं बीन नारी पेंशन है उसमें अंतर है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका जो मान लीजिए आपका एक कहना चाहिए कि जो एक आपका MSP है, MSP है उसमें भी अंतर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत अंतर हैं, बहुत विसंगतियाँ हैं। इन्हीं वजह से यहाँ पर जो जवान लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और यहाँ पर लगातार संघर्ष के साथ में उनको और भी बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलने को मिल रही हैं। जैसे हम कोई जब काम करते हैं तो मालूम पड़ता है कि इसमें क्या क्या परेशानियाँ हैं, तो सैनिक भाइयों को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलने को पड़ रही हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये परेशानियाँ इसीलिए झेल रहे हैं कि यहाँ पर सभी सैनिक समाज का भला हो। और देखिए ये साल जो है वो चुनावी साल है, इस साल में हमने अगर दम लगा दिया तो यहाँ कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर यहाँ पर आगे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग ज़रूर ही जो सैनिक समाज है वो सब एकजुट होकर यहाँ पर अपना जो मांग है उनको जल्दी से जल्दी वो सरकार तक जाएं और उनका रेस्पॉन्स मिले, तो उसके लिए हमें सबको यहाँ पर एकजुट होना है और एक साथ अपनी आवाज़ उठानी है मित्रों। किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, अपने आपस में भेदभाव नहीं करने हैं और अपनी ताकत को बरकरार करके रखना है मित्रों। तो यहाँ पर हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, केवल हमको बराबर हक मिल जाए और हमारे लिए सब अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स हमारी जो बात मानेगा वो हमारे लिए अच्छा है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।